कहते कब्जे के सिंध के लोगों पे, क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। सिंध में बलदियाती इदारों के इख्तियारात पर सवाल या निशान लग गए। 2012 में सिंध हुकूमत ने कानून बनाकर बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शहरी इदारों पर कंट्रोल हासिल किया। December 2021 को सिंध हुकूमत ने तरमीमी बलदियाती एक्ट मंजूर करके बलदियाती इदारों से सेहत और तालीम के महकमे भी ले लिए। हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे कभी फैसले नहीं करोगे। सिंध असेंबली में बिल मंजूर हुआ तो सूबे में सियासी भूचाल आ गया। सियासी जमातों का कहना है कि महज अक्सरियत की बुनियाद बनाकर गैर आइनी कानून मंजूर नहीं कराए जा सकते। मुस्तफा कमाल ने अपनी सेनेटरशिप इसलिए नहीं छोड़ी थी कि ये शहर हम जरदारी और बिलावल भुट्टो को कब्जा करवा दें। जमात इस्लामी ने बिल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी। सिंध में PTI, MQM और दीगर सियासी जमातें भी बलदियाती इदारों के हुकूक के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं।